वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है, इंडिया रिकॉल्स एनवॉय देन एक्सपेल्स 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। देखिए, इंडिया ने क्या किया, रिकॉल किया। रिकॉल का कई मीनिंग होता है गाइस। यहाँ पे रिकॉल किसी को वापस बुलाने के सेंस में यूज़ किया गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कहीं पे भेजा गया है किसी काम के लिए, जब उसको वापस बुलाया जा रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है। तो इंडिया ने रिकॉल किया, वापस बुलाया किसको, एनवॉय को। एनवॉय का मतलब होता है राजदूत। तो राजदूत को क्या किया, वापस बुलाया इंडिया ने। देन फिर क्या किया इंडिया ने, एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल का मतलब होता है किसी को कहीं से बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देने को एक्सपेल करना कहते हैं। फिर इंडिया ने एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। तो 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया। देखिए, डिप्लोमेट वो व्यक्ति होता है गाइस जो किसी देश के इंटरेस्ट को या उसके हित को क्या करता है, फॉरेन कंट्री में, किसी दूसरे कंट्री में क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसका प्रतिनिधित्व करता हो, उसके हित के अकॉर्डिंग फॉरेन रिलेशन बनाता हो, उसको बोलते हैं डिप्लोमेट्स। ना कि जो कूटनीति करता हो ना, डिप्लोमेट्स बोलते हैं उसको। तो इंडिया ने वापस बुलाया एनवॉय, मतलब राजदूत को। फिर क्या कर दिया, 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। तो 6 जो कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स थे उनको निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। तो यहाँ से देखते हैं, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप इंडिया ऑन मंडे एक्सपेल्ड 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स एंड विद्रू इट्स हाई कमिश्नर टू कैनेडा संजय कुमार वर्मा एंड अदर टारगेटेड डिप्लोमेट्स आफ्टर ओटावा सॉट टू लिंक दैम विद द किलिंग ऑफ खालिस्तान सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर। देखिए, इन का मतलब होता है मे, और एन का मतलब होता है एक, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, मतलब जो कि अनयूजुअल है, और स्टेप का मतलब होता है कदम। तो एक अभूतपूर्व कदम में इंडिया ने क्या किया, ऑन मंडे को एक्सपेल कर दिया, निष्कासित कर दिया, निकाल दिया 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को। एंड और इंडिया ने क्या किया, विदड्रॉ किया। देखिए, विदड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, और वापस बुलाने को विदड्रॉ करना कहते हैं, और विदड्रॉ का सेकेंड फॉर्म होता है विद्रू। तो इंडिया ने साथ ही विद्रू किया, कि वापस बुलाया इट्स, तो इसके हाई कमिश्नर टू कैनेडा को वापस बुलाया, मतलब कि जो इंडिया के हाई कमिश्नर है जो कि कैनेडा में है, उनको वापस बुलाया, जिनका नाम क्या है, संजय कुमार वर्मा, उनको वापस बुलाया। एंड और किसको वापस बुलाया, अदर, तो अन्य जो टारगेटेड डिप्लोमेट्स हैं, मतलब कि ऐसे डिप्लोमेट्स जिनको टारगेट किया गया है या जिनको टारगेट किया जा रहा है, वैसे डिप्लोमेट्स को क्या किया, वापस बुलाया। आफ्टर का मतलब है बाद, तो किसके बाद वापस बुलाया, जब ओटावा ने क्या किया, सॉर्ट किया। देखिए, सीक का मतलब होता है कि कुछ करने का प्रयास करना, कुछ करने की कोशिश करने को सीक करना कहते हैं, और सीक का सेकेंड फॉर्म होता है सॉर्ट। तो जब आफ्टर किसके, ओटावा के सॉर्ट करने के बाद, देखिए ये जो ओटावा है ये कैपिटल है कैनेडा का, तो जब ओटावा ने कोशिश किया टू लिंक करने का, जोड़ने का, देम की इन डिप्लोमेट्स को किसके साथ जोड़ने की कोशिश करी, विद द किलिंग, तो हत्या के साथ। हत्या किसका, खालिस्तान सपोर्टर, तो खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग में, कि हत्या में, जब ओटावा ने कोशिश करी लिंक करने का, मतलब कि जोड़ने का, दम कि इनको, तब एक अभूतपूर्व कदम में इंडिया ने क्या किया, मंडे को 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया और वापस बुलाया इंडिया के हाई कमिश्नर को जो कि कैनेडा में है, जिनका नाम क्या है, संजय कुमार वर्मा, उनको बुलाया, और अदर, मतलब कि अन्य जो टारगेटेड डिप्लोमेट्स हैं, मतलब कि जिनको टारगेट किया गया है, उनको वापस बुलाया इंडिया ने। Within hours of deciding to recall the Indian envoy in Ottawa, New Delhi said it was expelling Canadian acting High Commissioner Stuart Ross Wheeler. देखिए, within का मतलब होता है किसी time period के भीतर, तो hours में कि घंटों के भीतर। अब घंटों के भीतर किस चीज़ के, deciding, तो decide करने के, मतलब कि निर्णय लेने के घंटों के भीतर। अब निर्णय किस चीज़ का, to recall, तो वापस बुलाने का, किसको, the Indian एनवॉय, तो जो भारतीय राजदूत है जो कि कहाँ पे है, ओटावा में है, तो उनको वापस बुलाने के, डिसाइड करने के घंटों के भीतर ही न्यू दिल्ली ने क्या किया, सेड, तो न्यू दिल्ली ने कहा कि इट वॉज एक्सपेलिंग, कि न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है, निष्कासित कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, किसको, कैनेडियन एक्टिंग हाई कमिश्नर, तो जो कैनेडियन है जो कि एक्ट कर रहा है, जो कि काम कर रहा है हाई कमिश्नर के रूप में, उनको बाहर निकाल रहा है, जिनका नाम बताया जा रहा है स्टीवर्ट रॉस पिलर, तो इनको न्यू दिल्ली बाहर निकाल रहा है, और किसको, डेप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हैबिट एंड मैरी कैथरीन जॉली, तो इनको निष्कासित कर रहा है, और किसको, लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, तो इनको, और किसको, एडम जेम्स को, और चुपिका एंड पॉला ऑर्जवेला, ये सभी क्या है, ऑल फर्स्ट सेक्रेटरीज है, तो इनको न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, निष्कासित कर रहा है। दीज कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैव बीन आस्क्ड टू लीव इंडिया बाय
और बिफोर 11:59 PM। अब देखिए दीज कैनेडियन डिप्लोमेट्स, तो ये सभी यू नो जिनका नाम मेंशन किया गया है, ये क्या है डिप्लोमेट्स, तो ये सभी जो कैनेडियन जो डिप्लोमेट्स है हैव बीन आस्क्ड, तो इनको बोला गया है। देखिए आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता गाइस, आस्क का दूसरा मीनिंग होता है किसी को कुछ बोलना कुछ करने के लिए, और ये जो है ये पैसिव वॉइस है कि इन कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बोला गया है टू लीव, तो लीव करने के लिए, लीव का मतलब है कि कहीं से प्रस्थान करना, कहीं से जाना, तो इंडिया को लीव करने के लिए मतलब इंडिया से जाने के लिए बोला गया है। बाय का मतलब है किसी समय तक, और या तो बिफोर या किसी समय से पहले, तो 11:59 PM से पहले या 11:59 PM तक इनको इंडिया से जाने के लिए बोला गया है ऑन सैटरडे, सैटरडे को अक्टूबर 19, तो अक्टूबर 19 के सैटरडे के 11:59 PM तक या उसके पहले इन कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बोला गया है कि इंडिया से ये लोग चले जाए, है ना, लीव करें। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, ऐसा किसने कहा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा। As ties between the two nations touched a new low, India this evening summoned the Canadian Acting High Commissioner to the Foreign Office and conveyed to him its decision to withdraw the Indian envoy and other diplomats and officials and firmly told him that New Delhi reserves the right to take further steps in response to the Justin Trudeau government's support for extremism, violence एंड सेपरेटिज्म अगेंस्ट इंडिया। देखिए एस का कई मीनिंग होता है गाइस, यहाँ पे एस जहाँ के सेंस में यूज़ हुआ है, तो जहाँ जो टाइज है, जो रिश्ते हैं, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, द टू नेशन, तो दोनों देश देश के बीच में जहाँ जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते ने क्या कर दिया, टच कर दिया, मतलब छू दिया एक न्यू लो, तो एक नए लो को मतलब एक निचले स्तर पर पहुँच गया, बेसिकली बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है ना, इसका सेंस ये हो रहा है कि जहाँ जो रिश्ते हैं दोनों नेशन के बीच में, उस रिश्ते ने क्या कर दिया, टच कर दिया, छू दिया एक नए निचले स्तर को, बल्कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। वही इंडिया ने क्या किया दिस इवनिंग, तो इस इवनिंग को समन किया, समन का मतलब है कि किसी को ऑफिशियली कहीं पे बुलाना, तो इंडिया ने बुलाया, समन किया किसको, द कैनेडियन एक्टिंग हाई कमिश्नर, तो जो कैनेडियन हाई कमिश्नर है जो कि एक्ट कर रहे हैं हाई कमिश्नर के रूप में, उनको बुलाया कहां पे, टू द फॉरेन ऑफिस, तो जो विदेशी कार्यालय है वहां पे जो कैनेडियन हाई कमिश्नर उसको बुलाया। एंड कन्वेड, और इंडिया ने साथ ही कन्वे किया, कन्वे का क्या मतलब होता है गाइस, मैसेज देना, मतलब संदेश देना, जैसे कि आपके पास कोई मैसेज है, उस मैसेज को आप किसी के पास डिलीवर करना चाहते हो, तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, तो इंडिया ने कन्वे किया मतलब बताया टू हिम, उससे उसको बताया इट्स डिसीजन, तो इंडिया का जो डिसीजन है उसको बताया, डिसीजन क्या करने का, विदड्रॉ करने का मतलब वापस लेने का, किसको, द इंडियन एनवॉय, तो जो इंडियन एनवॉय है उनको वापस लेना, एंड अदर डिप्लोमेट्स, और अन्य जो डिप्लोमेट्स है एंड जो ऑफिशियल है उनको वापस बुलाने का जो डिसीजन है उसको उनको बताया। एंड फर्मली टोल्ड, और इंडिया ने साथ ही फर्मली, फर्मली का मतलब एकदम सख्ती से या मजबूती से क्या किया, टोल्ड किया मतलब बताया हिम, मतलब उस हाई कमिश्नर को बताया दैट कि न्यू दिल्ली की जो न्यू दिल्ली है रिजर्व्स की, न्यू दिल्ली रिजर्व करता है मतलब वो रखता है द राइट, तो राइट रखता है मतलब न्यू दिल्ली के पास अधिकार है बेसिकली क्या करने का, टू टेक, तो लेने का, फर्दर स्टेप्स मतलब आगे के कदम लेने का, यू नो न्यू दिल्ली के पास अधिकार है। इन रिस्पॉन्स का मतलब है किसी चीज के जवाब में, तो किसके जवाब में, द जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट, तो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, समर्थन है, समर्थन किसके लिए, एक्सट्रीमिज्म के लिए, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है इस चरमवाद या अतिवाद, मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म, है ना, तो रिस्पांस किसके रिस्पांस में, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है एक्सट्रीमिज्म के लिए, वायलेंस मतलब हिंसा के लिए, और जो सेपरेटिज्म है, सेपरेटिज्म का मतलब है अलगाववाद, किसके खिलाफ, इंडिया, तो इंडिया के खिलाफ जो सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, इसके लिए जो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है ना, इसके रिस्पांस में न्यू दिल्ली के पास है राइट, मतलब न्यू दिल्ली रखता है राइट, रखता है मतलब अधिकार है टेक करने का, लेने का, फर्दर मतलब आगे के स्टेप, किसके रिस्पांस में, इन रिस्पांस टू जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस एंड सेपरेटिज्म अगेंस्ट इंडिया। द कैनेडियन डिप्लोमेट वॉज इन्फॉर्म दैट द बेसलेस टारगेटिंग ऑफ द इंडियन एनवॉय एंड अदर डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स इन कैनेडा वॉज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। इट वॉज अंडरलाइन दैट इन an atmosphere of extremism and violence. देखिए जो कैनेडियन डिप्लोमेट है was informed, उसको inform किया गया, ये was informed जो है गाइस ये पैसिव वॉइस है कि कैनेडियन डिप्लोमेट को बताया गया, उसको सूचना दिया गया, उनको सूचित किया गया दैट की द बेसलेस टारगेटिंग, कि जो बेसलेस टारगेटिंग है, देखिए बेसलेस का मतलब होता है कि जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, जो बेबुनियाद है उसको बोलते हैं बेसलेस। तो जो बेसलेस टारगेटिंग है, मतलब कि जो यू नो बेबुनियाद तरीके से टारगेट किया जा रहा है, देखिए टारगेटिंग किसका,
ऑफ द इंडियन एनवॉय का एंड अदर डिप्लोमेट्स, और अन्य जो डिप्लोमेट्स है एंड जो ऑफिशियल्स है इन कैनेडा, तो कैनेडा में जो ऑफिशियल्स है, डिप्लोमेट्स है और जो इंडियन एनवॉय है, उनका जो बेसलेस टारगेटिंग जो है वॉज कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, मतलब अस्वीकार है, मतलब जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उसको बताया गया। इट वॉज अंडरलाइन, अब देखिए ये अंडरलाइन किया गया, ये भी पैसिव वॉइस है, इसमें कि अंडरलाइन का मतलब होता है कि किसी बात को हाईलाइट करना या उस बात को एकदम जोर दे के बोलना, मतलब बलपूर्वक कहना। तो ये हाईलाइट किया गया, ये अंडरलाइन किया गया दैट कि इन एन एटमोसफेयर, तो एक जो एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर का मतलब है वातावरण, वातावरण किस चीज का, एक्सट्रीमिज्म की, अतिवाद और वायलेंस के एक वातावरण में द ट्रूडो गवर्नमेंट्स एक्शन इंडेंजर द सेफ्टी। तो एक ऐसे वातावरण में जो कि किस चीज़ का है, एक्सट्रीमिज्म की, अतिवाद या चरमवाद या वायलेंस का वातावरण में द ट्रूडो गवर्नमेंट, तो ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट का जो एक्शन है ना, ये क्या करता है, इंडेंजर करता है। इंडेंजर का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, तो क्या देयर सेफ्टी, तो उनके सेफ्टी को मतलब उनके सुरक्षा को क्या करता है, ये इंडेंजर करता है, मतलब खतरे में डालता है। अब देखिए किनके सेफ्टी की बात करी जा रही है, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स है, ऑफिशियल्स है ना, जो हाई कमिश्नर है, उनके सेफ्टी को ये खतरे में डालता है एक ऐसे वातावरण में जो कि किस चीज़ का है, एक्सट्रीमिज्म का है और वायलेंस का है। तो ऐसे वातावरण में ये ट्रूडो गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है, ये खतरे में डालता है उनके सेफ्टी को। वी हैव नो फेथ इन द करेंट कैनेडियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी, देयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ द हाई कमिश्नर एंड अदर टारगेटेड डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल, द MEA सेड। देखिए वी हैव नो फेथ, तो हमें कोई फेथ नहीं है, फेथ का मतलब है भरोसा या आस्था किसी चीज पर, तो हमें कोई भरोसा नहीं है किसी चीज में, इन द करंट कैनेडियन गवर्नमेंट, तो करंट में कि अभी का जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, यहां पे apostrophe s है, इसका सेंस होता है का या की, तो करंट में कि अभी के जो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है उस पर कोई भरोसा नहीं है। कमिटमेंट का मतलब होता है गाइस कोई वादा किसी चीज के लिए या कोई चीज के लिए जो वचनबद्धता है उसको बोलते हैं कमिटमेंट। तो हमें फेथ नहीं है किस चीज में, करंट जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसका जो कमिटमेंट है, उसका जो वादा है क्या करने का, इंश्योर की सुनिश्चित या पक्का करने का, क्या पक्का करने का, देयर सिक्योरिटी। तो जो डिप्लोमेट्स है उनके सिक्योरिटी को, उनके सुरक्षा को इंश्योर की पक्का करने का जो कमिटमेंट है करंट कैनेडियन गवर्नमेंट का, उसको उसमें कोई फेथ नहीं है, मतलब कि हमारा कोई भरोसा नहीं है उनके कमिटमेंट में। देयर फॉर, इसलिए द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हैज़ डिसाइडेड, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है विदड्रॉ करने का, वापस लेने का, किसको, हाई कमिश्नर को एंड अदर, और अन्य जो टारगेटेड डिप्लोमेट्स है, जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनको टारगेट किया गया है उनको विदड्रॉ करने का डिसाइड किया है, एंड ऑफिशियल और ऑफिशियल्स को, द MEA सेड, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। द कैनेडियन चार्ज द अफेयर्स हाउएवर टोल्ड रिपोर्टर्स एट द फॉरन ऑफिस दैट ओटावा हैज प्रोवाइडेड क्रेडिबल एंड इररिफ्यूटेबल एविडेंस टू इंडिया इन द मैटर। देखिए जो कैनेडियन चार्ज द अफेयर्स है, हाउएवर का सर्विस हालांकि, और ये जो चार्ज द अफेयर्स है गाइस ये कोई रैंक होगा, है ना, तो कैनेडियन चार्ज द अफेयर्स ने हाउएवर का मतलब हालांकि क्या किया, टोल्ड बताया, किसको, रिपोर्टर्स को बताया, एट द, अब देखिए कहाँ पर बताया, एट द फॉरन ऑफिस, तो जो विदेशी कार्यालय है वहाँ पर रिपोर्टर्स को किसने बताया, कैनेडियन चार्ज द अफेयर्स ने हालांकि बताया दैट कि जो ओटावा है, हैज प्रोवाइडेड, कि ओटावा ने दिया है, प्रोवाइड किया है, क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, जो विश्वसनीय हो उसको बोलते हैं क्रेडिबल, और इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिसको रिफ्यूट ना किया जा सके, मतलब जिसको जिसकी जिसको मना ना किया जा सके, जिसको कैंसल ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इररिफ्यूटेबल, मतलब कि अखंडनीय, जिसको जिसकी खंडन नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं इररिफ्यूटेबल। तो रिपोर्टर्स को बताया कि जो ओटावा है उसने दिया है क्रेडिबल और इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है, एविडेंस का मतलब है सबूत, किसको, टू इंडिया, तो इंडिया को, इन द मैटर में कि इस मामले में इंडिया को ऐसा सबूत दिया है जो कि क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय है और इररिफ्यूटेबल है, जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, जिसको मना नहीं किया जा सकता या जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसा एविडेंस दिया है, ऐसा किसने कहा, जो कैनेडियन चार्ज द अफेयर्स है, इन्होंने हालांकि ऐसा रिपोर्टर्स को बताया फॉरन ऑफिस में। Earlier in the day, in a strongly worded statement, the MEA said, "We have received a diplomatic communication from Canada yesterday, suggesting that the Indian High Commissioner and other diplomats are
persons of interest in a matter related to an investigation in that country. देखिए earlier का मतलब होता है किसी चीज़ के शुरुआत में या किसी चीज़ के पहले, तो earlier in the day तो उस दिन के शुरुआत में, in a strongly worded statement तो ऐसे statement में जो कि क्या है strongly worded है, मतलब जो कड़े शब्द में है, ऐसे वाले statement में, ऐसे वाले बयान में, the MEA तो जो Ministry of External Affairs है उसने क्या किया, सेड, कहा, किसमें कहा, एक कड़े शब्दों वाले बयान में कहा कि वी हैव रिसीव, कि हमने रिसीव किया है, कि हमको मिला है क्या, एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन. डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत या संचार. तो हमें क्या मिला है, एक डिप्लोमेटिक संचार मिला है, कहाँ से, फ्रॉम कैनेडा, कैनेडा से, कब, यस्टरडे को. सजेस्टिंग, जो कि सजेस्ट कर रहा है, देखिए कम्युनिकेशन सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना या इशारा करना या कुछ बताना. तो ये जो कम्युनिकेशन है जो हमें मिला है वो सजेस्ट कर रहा है, कि वो बता रहा है दैट कि द इंडियन हाई कमिश्नर, की जो इंडियन हाई कमिश्नर है एंड अदर डिप्लोमेट्स, और अन्य जो डिप्लोमेट्स है आर वो है पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा बता रहा है जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हमने रिसीव किया वो बता रहा है. अब देखिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है गाइस, देखिए अगर कोई व्यक्ति है उस पर शक है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट बोलते हैं, हम कि संदिग्ध बोलते हैं. लेकिन डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में इसको बोला जाता है गाइस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कोई व्यक्ति जिस पर शक है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके बारे में उसको जानकारी है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. तो यू नो जो कम्युनिकेशन जो है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जिसको हमें मिला उस कहाँ से मिला, कनाडा से, कल, ये सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये बता रहा है कि जो इंडियन हाई कमिश्नर है और अन्य जो डिप्लोमेट्स है ये क्या है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, किस चीज़ में, इन अ मैटर, तो एक मामले में. अब देखिए ये मैटर जो है रिलेटेड है, ये संबंधित है एक इन्वेस्टिगेशन से, मतलब कि एक जांच पड़ताल से इन दैट कंट्री, तो उस कंट्री में एक इन्वेस्टिगेशन से ये रिलेटेड है इन द मैटर, मतलब कि एक मैटर में रिलेटेड है, कौन से मैटर, एक इन्वेस्टिगेशन के इन द इन दैट कंट्री, तो उस कंट्री में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके मैटर में, यू नो ये पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा ये सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो मिला है कनाडा से यस्टरडे को. इंडिया द MEA सेड स्ट्रांगली रिजेक्ट्स दीज प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशन एंड अस्क्राइब्स देम टू द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ. देखिए जो इंडिया है द MEA सेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जो इंडिया है वो स्ट्रांगली, मतलब वो कड़े रूप से या सख्ती से रिजेक्ट करता है. रिजेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अस्वीकार करना या मानने से इंकार करने को रिजेक्ट करना कहते हैं. तो इंडिया सख्ती से स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है दीज, तो ये सभी जो प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशन है इसको. प्रीपोस्टरस का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस हो, सिली हो, उसको बोलते हैं प्रीपोस्टरस. और इम्प्यूटेशन का मतलब होता है एलिगेशन, की आरोप. तो ये सभी जो सिली जो एलिगेशन है इसको इंडिया रिजेक्ट करता है स्ट्रांगली एंड अस्क्राइब, और इंडिया अस्क्राइब करता है. देखिए अस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराना किसी चीज़ के लिए, है ना. तो इंडिया इन एलिगेशन को, इन इम्प्यूटेशन को अस्क्राइब करता है, मतलब जिम्मेदार ठहराता है टू द, अब किसके लिए, टू द पॉलिटिकल एजेंडा, कि ये जो है ये क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा है किसका, ऑफ द ट्रूडो गवर्नमेंट. तो यू नो इंडिया इसको अस्क्राइब करता है, मतलब कि इसको बताता है कि ये सभी यू नो ये जो इम्प्यूटेशन है ये क्या है, ट्रूडो गवर्नमेंट का एजेंडा है, है ना, दैट इज़ जो कि क्या है, सेंटर्ड है, जो कि घिरा हुआ है अराउंड, मतलब कि किसकी ओर, वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसके अराउंड ये क्या है, घिरा हुआ है. Ties between India and Canada nosedived after PM Trudeau alleged in September 2023 Indian hand in the murder of Niger in his country in June 2023. India has repeatedly denied its involvement and hit out at Canada for giving space to extremist and anti-India elements. देखिए जो ties हैं, जो रिश्ते हैं between के बीच में, India और Canada के बीच में जो रिश्ते हैं, उसने क्या किया, nosedive किया. nosedive का मतलब था कि तेजी से नीचे गिरना, मतलब कि बिगड़ना. तो वो नोज डाइव किया कब, आफ्टर, मतलब कि बाद, तो पीएम ट्रूडो के अलेज करने के बाद. अलेज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना. तो जब पीएम ट्रूडो ने आरोप लगाया सितंबर 2023 को कि जो इंडियन हैंड, मतलब इंडियन हैंड का इंडिया का हाथ है किस चीज में, इन द मर्डर ऑफ निजर, तो निजर के मर्डर में, कहां पे, इन हिज कंट्री, तो उसके कंट्री, उसके देश में जून 2023 को
इंडियन हैंड बल्कि इंडिया का हाथ है ऐसा अलेज किया, किसके मर्डर में, निजर के मर्डर में ऐसा अलेज किया। उसके बाद जो टाइज है, जो रिश्ता है इंडिया और कैनेडा के बीच में, वो नीचे गिरा, बेसिकली वो ख़राब हो गया। इंडिया हैज़ रिपीटेडली डिनाइड, और जो इंडिया है उसने रिपीटेडली मतलब कि बार बार या लगातार डिनाई किया है, डिनाई का मतलब नकारना, इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको नकारा है, बेसिकली इंडिया ने नकारा है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड हिट आउट, और हिट आउट किया है, हिट आउट का मतलब है किसी को सिवियरली क्रिटिसाइज करना। तो हिट आउट किया है कैनेडा को, कैनेडा को अटैक किया है, क्रिटिसाइज किया है फॉर गिविंग, तो देने के लिए, गिव करने के लिए स्पेस में की जगह किसको, टू एक्सट्रीमिस्ट, तो उग्रवादियों को, एक्सट्रीमिस्ट को, एंड एंटी इंडिया एलिमेंट, और जो एंटी मतलब कि जो इंडिया विरोधी जो एलिमेंट्स हैं उनको और एक्सट्रीमिस्ट को जगह देने के लिए इंडिया कैनेडा को हिट आउट किया, किसने, इंडिया ने। द लेंथी स्टेटमेंट सेड सिंस ट्रूडो मेड सर्टन एलिगेशन इन सितंबर 2023, द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट शेयर्ड अ श्रेड ऑफ एविडेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्पाइट मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। देखिए द लेंथी स्टेटमेंट, लेंथी का मतलब होता है कि जो बहुत लंबा हो, ऐसा वाला स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसने क्या किया, सेड कहा, सिंस का मतलब होता है कि किसी समय से, तो जब से जो ट्रूडो है उसने क्या किया है, मेड किया है सर्टन एलिगेशन, सर्टन का मतलब है निश्चित, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, मेक एन एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। तो जो लेंथी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट ने बताया कि जब से जो ट्रूडो है उसने किया है कि सर्टन एलिगेशन लगाए हैं सितंबर 2023 में, तो तब से द कैनेडियन गवर्नमेंट, तब से मतलब कि जब से एलिगेशन लगाए हैं तब से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है हैज नॉट शेयर, उसने शेयर नहीं किया है एक शेड को ऑफ एविडेंस, तो एविडेंस का एक शेड को भी नहीं शेयर किया है, मतलब कि भेजा नहीं है। शेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंश, किसी चीज का टुकड़ा या किसी चीज के पीस को बोलते हैं शेड। तो एविडेंस का एक पीस भी नहीं शेयर किया है किसके साथ, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के गवर्नमेंट के साथ। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, तो बावजूद किसके, मैनी रिक्वेस्ट, तो कई रिक्वेस्ट के बावजूद भी, अब रिक्वेस्ट कहाँ से, फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के कई रिक्वेस्ट के बावजूद भी जो इंडिया कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने शेयर नहीं किया है एविडेंस के एक पीस को भी शेयर नहीं किया है इंडिया के गवर्नमेंट के साथ। This latest step follows interaction that have again witnessed assertion without any facts. This leaves little doubt that on the pretext of an investigation there is a deliberate strategy of smearing India for political gains, it said. देखिए this latest step, तो ये जो नवीनतम जो कदम उठाए गए हैं, जो कदम लिया गया है, ये follow करता है मैं कि ये बाद हुआ किसके, इंटरेक्शन के, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। अब कौन सा इंटरेक्शन, दैट हैव अगेन, जिसने दोबारा क्या किया है, विटनेस किया है, मतलब कि देखा है, मतलब कि इस इंटरेक्शन में दोबारा देखा गया असर्शन को, असर्शन का मतलब होता है दावा। अब कौन सा दावा, विदाउट एनी फैक्ट, जो कि बिना तथ्य के है ना, ऐसा जो असर्शन है इसके इंटरेक्शन के बाद ये नवीनतम कदम आया। दिस लीव्स लिटिल डाउट, अब ये छोड़ता है ना के बराबर डाउट, मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है दैट कि ऑन द प्रिटेक्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, कि ऑन द प्रिटेक्स ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज के बहाने, तो इन्वेस्टिगेशन के बहाने देयर इज अ डेलिब्रेट स्ट्रेटजी, तो एक जानबूझ के स्ट्रेटजी है, डेलिब्रेट का मतलब है जिसको जानबूझ के किया गया हो, तो डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है, रणनीति है स्मियर करने का, स्मियर का मतलब है बदनाम करना, तो किसको, इंडिया को, किसके लिए, फॉर पॉलिटिकल गेंस, तो राजनीतिक फायदे के लिए एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है इंडिया को स्मियर करने का, इट्स सैड, ऐसा स्टेटमेंट ने कहा कि ये जो नवीनतम जो कदम है ये किसके बाद आया, इंटरेक्शन के बाद आया, मतलब बातचीत के बाद आया, और ये जो इंटरेक्शन था दैट हैव अगेन, जिसने अगेन क्या किया है, विटनेस किया है, मतलब देखा है असर्शन को, दावे को, अब दावा कैसा, विदाउट एनी फैक्ट, मतलब जो बिना फैक्ट के दावा है ना, उसके असर्शन के बाद ये लेटेस्ट स्टेप आया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस लीव्स अ लिटिल डाउट, या लिटिल डाउट का मतलब ना के बराबर डाउट, इसमें ना के बराबर डाउट है कि इन्वेस्टिगेशन के बहाने से, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी है स्मियर करने का, मतलब बदनाम करने का इंडिया को पॉलिटिकल फायदे के लिए, इट्स सैड, ऐसा जो लेंथी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट ने ऐसा कहा। गाइज ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा बड़ा है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, फिर भी मैंने जितना टाइम सोचा था उस टाइम में ये आर्टिकल ट्रांसलेट नहीं हुआ, और मेरे को कुछ अर्जेंट काम है जिसके कारण से मैं पूरा आर्टिकल ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़
do thumbs up and don't forget to subscribe my channel, which is Chandan Khare. I'll be making such kind of content in future. So that's it for today. I'll meet in the next video. Till then, take care. Bye-bye.